मॉर्निंग। सो आज 5 जून 2023 और मैं आपको दिखाने के लिए लाया इस साल का लॉन्च होता हुआ कॉलेज महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज साधोपुर। सो देखिए जहाँ तक लोकेशन की बात है बहुत अच्छा जाम हो चुकी। मैं यहाँ खड़ों की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको मेरे पीछे की बिल्डिंग से एक आइडिया लग जाएगा कि बाकी कंस्ट्रक्शन की क्या हालत है। सो इधर देखिए तो जो आपको समझ में आ रहा है जो नज़र आ रहा है वो यही है। देखिए जहाँ तक लोकेशन की बात है जैसे ही अम्बाला के चंडीगढ़ की तरफ चलते हैं तकरीबन 9 किलोमीटर के बाद बिल्कुल रोड के ऊपर है। देखिए जब मैं कहता हूँ रोड के ऊपर है तो मतलब 100 मीटर अंदर और बिल्कुल 100 मीटर अंदर था। तो जहाँ तक लोकेशन की बात है बहुत शानदार लोकेशन है जिसको हम फेमस दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे कहते हैं या अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे कहते हैं। दूसरी ग्रुप बहुत सॉलिड है। हम जानते हैं कि इसी ग्रुप के 2 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल चल रहे हैं MMU मौलाना अम्बाला जो कि NIRF रैंकिंग में बहुत ऊपर आता है और MMU सोलन जो हिमाचल का एकमात्र बहुत शानदार प्राइवेट कॉलेज है। बट दोनों की तारीफ और शायद यहीं पर ख़त्म हो जाता है इसकी अच्छाई। तो जो मैं आज आया लगता है कि जो NMC ने लास्ट ईयर रूल अमृता के लिए निकाला था कि अमृता फरीदाबाद को लॉन्च करने के लिए कि भाई वो 3 साल के हॉस्पिटल की कंडीशन हटा दी गई थी अगर आपकी किसी और जगह पर मेडिकल कॉलेज चल रहा है उसी कंडीशन का फ़ायदा उठा के ये MMU वालों ने अपनी ये कॉलेज यहाँ लॉन्च कर रहे हैं साधोपुर में। अस्पताल को भी चलते हुए यहाँ पर 1.5-2 साल तो हो गए हैं। बट देखिए अल्टीमेटली ना जो पूरा कैंपस और कैंपस ये बहुत बड़ा है मैं आपको पूरा कैंपस दिखा सकता हूँ पीछे आगे ये एकड़ों में फैला हुआ कैंपस है क्योंकि ये भी एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी थी। जैसे MM की मौलाना में पूरी यूनिवर्सिटी है जहाँ सारे कोर्स होते हैं वहाँ यहाँ पर भी सारे कोर्स होते थे आर्किटेक्ट BTech एक्सेट्रा एक्सेट्रा। BTech यहाँ पर बंद कर दिया गया है और BTech के क्लासरूम में ही मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। ये जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन की ही आवाज़ें हैं और मैं जामोज के लिए इसके अंदर ही बना रहा हूँ। मैं बाहर भी बना सकता था। आई होप कि आपको वॉइस फिर भी क्लियर आ रही होगी। तो इस साल से UG चालू होगा कोई PG अभी नहीं होगा इसमें। तीसरा यही है कि चूँकि अस्पताल ने लॉन्च कर दिया है तो अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ को ये अफोर्ड कर सकते हैं। इट इज़ ए रिच ग्रुप और मौलाना और सोलन की फैकल्टी ही और प्रोफेसर ही यहाँ पर आके पढ़ाएंगे। लेकिन इसके अलावा मुझे और फ़िलहाल देखकर मज़ा नहीं आया और जैसा मैंने कहा कि बाकी सब कुछ मुझे फ़िलहाल एवरेज बिलो एवरेज लग रहा है। और पता नहीं ना अस्पताल चले ना चले कितनी OPD आई। इस समय तो मैं 12 बजे पहुँचाऊँ तो OPD गिन के शायद 100 भी नहीं है दिन की। तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ और जो कल मेरी किसी और से बात हो रही थी कि अब ब्रांड को देख के मतलब अगर मौलाना यहाँ है तो ये मैं सोलन को भी इसके ऊपर रखूँगा और मैं हरियाणा की बात करूँगा तो मैं आदेश और SGT गुड़गावा को फ़िलहाल इस कैंपस के ऊपर रखूँगा और हम तभी यहाँ पर एडमिशन लें जब हमें कुछ और ऑप्शन नहीं मिल रही हो। ये मेरी सलाह रहेगी। इसको फर्स्ट ऑप्शन मत रखिए जस्ट बिकॉज इट इज़ MMU। मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ मैं हमेशा कहता हूँ जॉली ग्रांड या श्री गुरु राम राय या MMU मौलाना या UP का शारदा हो गया श्रीराम मूर्ति हो गया इन सबको मैं ऊपर रखूँगा इस कैंपस से। इवन मुजफ्फरनगर मेडिकल को भी ऊपर ही रखूँगा सुभारती को ऊपर रखूँगा मैं तो आदेश को भी फिलहाल इसके ऊपर रखूँगा और SGT गुड़गावा को भी इसके ऊपर रखूँगा एज़ फार एज़ चॉइसिस आर कंसर्न्ड। तो फिलहाल इस तरह से लग रहा है कि जिस तेज़ी से काम हो रहा है कि 3 महीने में तो ये तरह से बिल्डिंग बनाएंगे लेकिन आई एम श्योर कि जब तक ये बैच आएगा बहुत काम अभी बाकी है लॉन्च नहीं हो सकता। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे उनको आधी अभी कंस्ट्रक्शन होती हुई बिल्डिंग नज़र आएगी और जैसा मैंने कहा कि बस लॉन्च किया जा रहा है जिस तरह हम बाकी देखिए 3 साल चलते अस्पताल के लॉजिक का मतलब ये था कि अस्पताल आपका फुल फ्लेज है लॉन्च हो चुका है। जैसे कि अमृता के साथ हुआ तो अमृता फरीदाबाद का अस्पताल पूरी तरीके से लॉन्च हो चुका है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। उसको कंस्ट्रक्शन 5 साल पहले शुरू हुई थी और 2022 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी बट इसमें तो भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आई विल नॉट रेट दिस कैंपस वेरी हाई। हम देखिए आप सब मेरी इसी बात पर तारीफ करते हैं कि मैं जेन्युइन ट्रू फीडबैक देता हूँ। तो जहाँ एक तरफ मैं बहुत तारीफ करता हूँ MMU मौलाना की मैं तारीफ करता हूँ MMU सोलन की इस कैंपस को अभी देखना पड़ेगा एटलीस्ट अगले 1 साल तक कैसे ये इवॉल्व होता है। डेफिनेटली वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर और NC सराना के मुकाबले तो शायद ही बेटर हो जाएगा लेकिन बस वही बात है ना कि उनकी फ़ीस तो 75 लाख है पैकेज। तो देखते हैं फ़ीस कितनी इसकी अभी आती भी तो लॉन्च निकली गई है। अगर ये सेम 10-11 लाख रुपए में पहले साल या 2 साल पढ़ाते हैं ताकि आपको 70-75 में आपका बजट हो जाए तो फिर भी कंसिडर किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा एक ओवरऑल ब्रांड अच्छा है लोकेशन अच्छी है खाना पीना सब अच्छा मिलेगा क्योंकि ये ग्रुप की खासियत है प्रॉपर ये यूनिवर्सिटी है तो बहुत तरह के बच्चे आते हैं बहुत अच्छी लोकेशन पे है। सो जीरकपुर से लेकर यहाँ तक के काफ़ी बच्चे यहाँ आ सकते हैं डेरा बस्सी वगैरह सब यहाँ से 10 किलोमीटर लेफ्ट में राइट में अम्बाला है लेफ्ट में डेरा बस्सी चंडीगढ़ की तरफ डेरा बस्सी आ जाएगा फिर जीरकपुर आ जाएगा।
तो लोकेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, नया कॉलेज है, आप NMC रिकग्निशन की चिंता मत कीजिए, इसकी रिकग्निशन नहीं जाने वाली। कई बार लोग ना ये सोचते हैं कि सर अभी तो परमिटेड होगा, मैं वो हमेशा उसको कभी कंसिडरेशन भी नहीं लेता। इस कॉलेज का कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, कॉलेज में जब PG होता है तो आपको अलग से लर्निंग मिलती है। इस कॉलेज में PG अभी नहीं है, क्लिनिकल PG जो भी नहीं होगा, सो डेफिनेटली इसको हम टॉप अपने अपने अपनी चॉइस वन में ना रखें तो अच्छा है। और अगर शायद हमें अगर दूसरा टॉप कॉलेज ना मिले तो हम इस कैंपस को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है MMU सोदापुर एज ए सेट, और मैं कोशिश करता हूँ आपको और दिखाने की। आइए, तो वैसे तो आप देख ही रहे हो, मैंने कहा था कि दो बिल्डिंगें मैंने आपको दिखाई, लेफ्ट में राइट में, सामने पार्किंग है, और बहुत दूर अगर आपको गलती से नज़र आ जाए तो भाई वो हाईवे था, मेन रोड थी। तो ऐसी बात नहीं है कि काम चल रहा है, जैसे मैंने कहा मेन हाईवे से सिर्फ 100 मीटर अंदर था, मतलब मुझे यहाँ से ना कारें नज़र आ रही हैं, मतलब एक बीच में बस बिल्कुल 100 मीटर ही पूरे नहीं होंगे। वो मेरी गाड़ी खड़ी है और ये पूरी एंट्री रोड, तो भाई प्रॉपर यूनिवर्सिटी है ये, MM यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, और उसके हिसाब से सारा कार्यक्रम हो रहा है। ये देखिए, हम ये अस्पताल के फ्रंट की तरफ जा रहे हैं और आपको और सामने बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, सारी बिल्डिंगें बन रही हैं और ये सारी बिल्डिंगें मेडिकल कॉलेज के हिसाब से ही तैयार हो रही हैं और बन रही हैं, बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल एंड बिल्डिंग, और उसके हिसाब से हमें अपना डिसीजन लेना है अबाउट चॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज। ओके, तो अब आपको पूरा नज़र आ रहा होगा कि हर तरफ से कंस्ट्रक्शन चालू है, जब से मेडिकल कॉलेज की परमिशन मिल गई है आपको दूर दूर भी बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। ऑलरेडी 5 एम्बुलेंस खरीद के खड़ी कर दी गई हैं जो आपको और नज़र आ रही हैं। तो बस तो ये सब आपको और नज़र आ, देखिए सामने आपको बड़ा सा MMU यूनिवर्सिटी का टूटा फूटा बोर्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि इट्स अ ओल्ड यूनिवर्सिटी, 20 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और तभी मेडिकल के बिना खोली गई थी। तो और ये बहुत आगे तक भी जाती है जैसा मैंने कहा, और इसके अंदर एक स्कूल भी है, एक MM इंटरनेशनल स्कूल भी चल रहा है और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। तो इट्स अ ओवरऑल एजुकेशनल हब जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से खोला गया था। हमारी प्रीमियम काउंसिल लेना चाहते हैं आप जानते ही हैं, 9643362320 पे कॉल कीजिए। और मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, कॉल पे बात करने के मिनिमम चार्जेस है 2500, मिलने आओगे तो 5000 रुपीज़, और उसी मीटिंग में डिसाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ, समझा के बताता हूँ कि जो हमारा प्रीमियम पैकेज होगा वो 30,000 से 1.5 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं और उसके हिसाब से हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अपने पैसे लेते हैं हम, जितना एफर्ट मैं आपके बच्चे पे लगाने वाला हूँ उसके हिसाब से ही हमारी फ़ीस होती है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।